हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टेटमेंट फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक चिटचैट वीडियो है और मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे। कुछ नए यूट्यूबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप कुछ टिप्स दीजिए हमें और आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए ताकि हम भी उससे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ले सकें। तो इसी के बारे में सारा आज मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो घंटी का बटन है वो ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं अब वीडियो अपलोड करती हूँ हर अल्टरनेट डेज पे, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप देख लें वीडियो। मैं कोशिश करती हूँ कि नए नए वीडियोज़, नए नए कंटेंट्स लेके आऊँ आप सबके लिए। तो बने रहिए नया नया फैशन देखने के लिए, स्टाइलिंग टिप्स देखने के लिए, स्टाइल स्टेटमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद मेरी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट ना हो तो आप ये स्टोरी वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। टिप्स मैं आगे दूंगी, स्टोरी के बीच में भी दूंगी, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आती जाएंगी बातें तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो अगर आप पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो नए यूट्यूबर्स हैं, बडिंग यूट्यूबर्स हैं, मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किए, कितने दिनों में कंप्लीट किए और क्या क्या उन्हें करना चाहिए अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए, तो वही टिप्स मैं देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना नाम, मेरा नाम आपको पता ही है, भावना है। मैं प्रिंसिपल थी स्कूल में, किड्जी स्कूल में, बट जब से मेरा ये छोटा बेटा हुआ है तो मैंने ब्रेक ले लिया था। अब जैसे कि स्कूल बंद है तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई वैकेंसी अब हो सकती है प्रिंसिपल की उस स्कूल में, तो सब कुछ अब क्लोज हो गया। अभी तो फिलहाल मुझे 2 साल हो गए घर पे बैठे हुए, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, 1 साल हुआ है अभी, 1 साल हुआ है। तो मैं तब से घर पे हूँ, जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं घर पे ही हूँ और घर से मैंने स्टार्ट किया था। मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और ऐसा लगता है कि घर पे बैठना मेरे लिए नहीं बना है, मैं घर पे बैठने के लिए ही नहीं बनी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना ही होता है हमेशा। उससे पहले मैं अपना कॉल सेंटर चलाती थी, वोडाफोन का कॉल सेंटर था मेरा। उससे पहले मैं बहुत सारे काम करती थी, मतलब मैं मल्टीटास्किंग हूँ, एक काम में बंद ही नहीं रह सकती, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा बैकग्राउंड। अब मैं बताती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे छोटे वाले बेटे के टाइम पे, तो मैं टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर जब मुझे मिलता था तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब देख लेती थी कि कैसे DIY करें, कैसे घर को सजाएं या इस तरह का स्टफ कुछ। बट तभी एकदम से अचानक मैंने मेघा, जो परकी मेक्स वाली मेघा जी हैं, मैंने उनका एक ट्रिब्यूट का एक वीडियो भी बनाया है, क्योंकि मैंने उनसे इंस्पायर होके ही अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था अपना चैनल उनसे ही इंस्पायर होके। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इतने रूड होते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, कितने मतलब कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग देते हो, बट कुछ लोग इतने रूड होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। और किसी ने मुझे कहा कि मैं उनसे चीटिंग करती हूँ, उनका वाला कंटेंट ही अगले वीडियो में ले आती हूँ, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं हमेशा नया नया कुछ नया करना चाहती हूँ। वो अपनी जगह पे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और तभी वो इतनी ऊपर तक पहुंच पाई हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनका कुछ चीट करती हूँ रेगुलरली। अगर आप रैंडम वे में देखेंगे, कोई भी आप यूट्यूबर निकाल लीजिए, सेम टॉपिक पे सब लोग वीडियो बना रहे हैं। अगर उसी से मिलता जुलता कुछ टॉपिक मैंने ले लिया तो मैंने क्या चीटिंग कर ली किसी की? मुझे नहीं लगता। सभी लोग, इवन जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो भी दूसरे यूट्यूबर्स का देखते हैं कंटेंट। मुझे नहीं लगता सिर्फ देखने में और उसको अगर आप एडमायर करते हैं तो सिर्फ एडमायर करने में आप चीटर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रूडनेस है यहाँ पर, ऑनलाइन है, कोई कुछ भी बक के चला जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है। बाकी उसके बाद फिर मैंने उनसे इंस्पायर होके, मैंने यही सोचा था जब मैं फ्री हो जाऊंगी अपने छोटे बेटे से थोड़ी डिलीवरी के बाद, तो मैं यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करूंगी। तो 2018 में सितंबर में मेरा बेटा, लास्ट सितंबर, 28 सितंबर को इसका बर्थ हुआ था। उसके बाद मैंने दिसंबर में, सेम ईयर 2018 में ही दिसंबर में अपना चैनल स्टार्ट कर लिया। और मैं रेगुलर बेसिस पे ही जैसे अब डालती हूँ वीडियोस, तब से मैं ऐसे ही डालती आ रही हूँ। ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस आते हैं
और इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि आपने हमेशा कंटेंट दूसरे अलग अलग टाइप का डालना है। सिर्फ लुकबुक्स या सिर्फ स्टाइलिंग वीडियोस से लोग एक पर्टिकुलर एक ऑडियंस को ही टारगेट कर पाते हैं। अगर हमने ज़्यादा मास में जाना है तो हमें बहुत सारी मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट बनाना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही कि मैं प्रिंसिपल थी, थोड़ी बहुत सेविंग थी मेरे पास, बट फैशन ब्लॉगर बनने में मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी सारी सेविंग सब कुछ इस पे लगा दिया अपने चैनल पे, क्योंकि मुझे नया नया फैशन इकट्ठा करना है। अब सिर्फ कपड़े ही नहीं होते, इयररिंग्स भी होते हैं, नेकलेसेस होते हैं, जूते होते हैं, बेल्ट होती है, कुछ और चीज़ें होती हैं, होम डेकोर की चीज़ें होती हैं, तो सब पे मैंने सारी अपनी सेविंग सब कुछ लगा दिया है। बाकी आप लोग मालिक हो, आप लोग जान सकते हो कि मैं हर बार कुछ नया लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। अब मैंने 2018 में दिसंबर में स्टार्ट किया था, 2019 मेरा ऐसे ही चला गया। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने चैनल को ग्रो करवाने में। फिर उसके बाद 2020 में फेब में लास्ट में मुझे गुड न्यूज़ मिलती है कि मेरा चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स करने में मुझे ऑलमोस्ट 14 मंथ्स लग गए। जो बहुत ज़्यादा पुराने यूट्यूबर्स हैं, वो उनका अगर आपने देखा होगा कि कैसे अपना चैनल ग्रो करें या उनके कितने टाइम में हुए होंगे, तो आप यकीन मानिए सबने 7, 8, 9, 10 महीने में कंप्लीट कर लिए हैं, बट मैंने 14 मंथ्स में कंप्लीट किए थे। आप उस मूवमेंट का इंतज़ार कीजिए। अगर आप नए नए यूट्यूबर हैं तो आप उस मूवमेंट का इंतज़ार कीजिए जब आपका कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाएगा और आप स्टार बन जाएंगे, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं पुरानी साड़ीज़ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस डालती थी, मम्मी मुझे हमेशा डांटती थी, मेरी मम्मी, कि तू क्यों साड़ियाँ ख़राब करती है, क्यों काटती है, बट उसी ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाए। मैं फैशन ब्लॉगर हूँ, मैं स्टाइलिंग दिखाती हूँ, तो ऐसा होता है कि एक ही मैंने अपने आप को एक टाइपकास्ट नहीं रखा, एक ही उसमें नहीं बंद किया बस कि मुझे स्टाइलिंग ही दिखानी है, नहीं, मैंने ओल्ड साड़ी रिव्यूज भी दिखाया। मैंने बहुत सारा मेरे चैनल पे कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत ही सारा, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 300 वीडियोस होने वाले हैं। तो 300 वीडियोस बनाने में अब देखिए आप मैं अपनी जर्नी के बारे में ही बता रही हूँ। तो मेरे पास कोई भी हाउस हेल्प थी, पहले थी, अब नहीं है। छोटा बच्चा है मेरे पास जिसका पूरा ध्यान मुझे ही रखना होता है। हस्बैंड वर्किंग थे, बेटा स्कूल जाता था, ये छोटा सा था तो मैं इसको सुला के 2 घंटे का टाइम मिलता था, 2 घंटे में मैं अपना वीडियो बना लेती थी। तो इस तरह से मैंने मैनेज किया है। बाकी दिन में अगर ये सो जाता था तो मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करना, कुछ खरीदना, कुछ करना, तो ये सब करती थी। तो मेरी जर्नी देखी जाए वो दूसरे लोगों से शायद थोड़ी अलग भी है, बट मैं अपने आप को सुपर वुमेन नहीं कहती हूँ। इंडिया की सारी मदर सुपर वुमेन हैं, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई डिफ़िकल्टी फेस करके वो अपना करियर, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है सभी वुमेन को जो इस तरह की सिचुएशन में है और फिर भी फाइट कर रही हैं। उन यूट्यूबर्स के लिए जो नए नए हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप पेशेंस रखिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इवन अब मेरे 1400 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, बट फिर भी अभी भी मुझे कुछ अर्न नहीं हुआ है। मैंने 1 रुपया भी अर्न नहीं किया अभी तक यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज इतनी रिजिड है, आप इनको समझ में, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। अब मेरे सारे वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, सब्सक्राइबर काउंट भी कंप्लीट हो गया 1000, बट अब इनका एक और फंडा है कि $10 होने चाहिए आपके अकाउंट में, तब आपके पास मोनेटाइज आपका चैनल अगर हो गया तो उसके बाद फिर आएंगे, $10 के बाद आएंगे। मेरे जब तक पहुंचते हैं $7 तक, तब फिर वो डिडक्ट कर लेते हैं, 5 पे पहुंचा देते हैं। इस तरह से मैं 3-4 बार कर चुकी 7 तक अपने डॉलर्स, और फिर वो 5 पे पहुंचा देते हैं। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सी पॉलिसी के अंडर ये कर रहे हैं यूट्यूब वाले, बट यूट्यूब मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है यूट्यूब के साथ। अब मुझे सब लोग कहते हैं, मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स मुझे कहते हैं कि तू कुछ अर्न नहीं कर रही है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन यूट्यूब।
फिर मैंने कहा कि अभी मेरा बेटा छोटा है, अभी मैं कहीं पर जॉब भी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ घर से बाहर, तो घर में बैठकर अगर आप एक वीडियो डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और ये फैशन ब्लॉगिंग अब मेरा पैशन भी बन गया है। मैं अगर वीडियोस नहीं डालती हूँ तो मुझे नाइटमेयर्स में ये आता है कि मेरी ऑडियंस क्या सोचेगी, कहीं मेरी ऑडियंस ये ना सोचे कि मैंने छोड़ दिया है। इतनी बड़ी अभी मास है नहीं फॉलोइंग मेरी, बट फिर भी मैं जितनी भी है उसके लिए कंसर्न रहती हूँ कि आप कहीं ये ना सोच लो कि मैंने बंद कर दिया चैनल। बात करते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। मैं अपना वीडियो स्टार्ट डे से अभी तक मैं अपने फ़ोन पे ही बनाती आई हूँ और फ़ोन पे ही एडिट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं कहीं भी एडिट नहीं कर सकती, कहीं भी वीडियो नहीं बना सकती, कैमरा नहीं है क्योंकि फ़ोन के कैमरे से ही बनाती हूँ, और एक ट्राईपॉड लिया हुआ है उसी से बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने अर्न कुछ नहीं किया है। फैशन ब्लॉगिंग एक बहुत ज़्यादा मनी डिमांडिंग है फैशन, जिसको आप परस्यू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो मैंने सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अभी मेरे पास इक्विपमेंट्स ज़्यादा हाईटेक नहीं है, तो जैसे हैं प्लीज़ आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बात कर रहे थे $10 के बारे में, और ये बात कर रहे थे कि वो हमेशा डिडक्ट कर लेते हैं, तो अभी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि मेरे अभी $10 कब कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी तक मैंने एक रुपया भी नहीं कमाया है। आप देखते होंगे मेरे चैनल पे ऐड लग गया है, बट वो ऐड सिर्फ दिखाने के लिए है, मुझे अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई है। अगर आप लोगों में से ये सोच रहे होंगे कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और 4000 वॉचर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। उस टाइम तक नहीं होता जब तक आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं होती है और बहुत ज़्यादा मतलब आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि इस ये जब होगा सब कुछ तभी कुछ अर्न होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ यूं ही हम डांट खाते रहेंगे अपने अपने घर वालों से। अब मैं अपने हस्बैंड से दिन में दो बार तो डांट खा ही लेती हूँ सुबह और शाम को कि तुम बस यही काम करती रहती हो, कुछ आ नहीं रहा है इससे, फिर भी तुम कर रही हो। अब यूट्यूब का नाम ही पेशेंस है, सब लोगों का 3 साल में 2.5 साल में तब होता है, मतलब उनको अर्न आना शुरू होता है, वो अर्निंग शुरू हो जाती है उनकी। बट अभी तो मुझे जो हुए हैं वो 1.5 साल ही हुआ है, तो देख लेते हैं। चलिए, खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ हम यही काम कर लें। फ्रेंड्स, अभी मेरी यही सलाह है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब तक आप कुछ कमाने ना लग जाओ यूट्यूब से, अपनी जॉब मत छोड़ो और बहुत ज़्यादा मेरी तरह इन्वेस्ट ना करें। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है इस पे और उसके बाद भी उस हिसाब से कुछ भी नहीं आया, इवन एक रुपया भी नहीं आया है, तो मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो अभी लॉस में ही चल रही हूँ। मेरा जो अकाउंट है वो डेबिट में ही चल रहा है, मैंने किसी से भी एक भी पैसा नहीं लिया है। अपना चैनल स्टार्ट करने जो कुछ भी है मैं खुद ही करती हूँ, और थोड़ी बहुत मम्मा मदद कर देती हैं, तो इसी हिसाब से मेरा चल रहा है अभी। बाकी मैंने अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी नहीं लिया है इसके ऊपर लगाने के लिए, तो आप भी ज़्यादा इन्वेस्ट ना कीजिए। अब मुझे समझ में आ गया, ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप आएंगे। पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना अच्छा कंटेंट बनाया, इतने व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर वही पेशेंस टेस्टिंग होती है। उसमें भी पेशेंस अभी टेस्ट हो रही है मेरी, और सब कहते हैं कि अब तुम इसको बंद कर दो, इसको ख़त्म कर दो। घर वाले मेरे, पेरेंट्स मेरे हस्बैंड, सब लोग कहते हैं कि इसको बंद कर दो, बट मैं इतनी आगे आकर अब मैं पीछे कैसे जाऊं? आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या मुझे बंद कर देना चाहिए या क्या मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा आगे कैसे बढ़ा जाए। अब मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था यूट्यूब का, और इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली की, अपने मोहल्ले की, अपने एरिया की एक इकलौती यूट्यूबर थी, मुझे जो लगता है किसी यूट्यूबर को नहीं जानती हूँ। और मैंने ऐसे ही मेघा जी से इंस्पायर होकर चैनल स्टार्ट कर लिया। बस अब देखते हैं कि आप लोगों को कितना पसंद आता है मेरा चैनल। मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि नए नए कंटेंट्स लेके आऊँ। अच्छा, एक और बात मेरे दिमाग में आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे
उस पर अगर आप रेगुलरली पोस्ट करते हैं अपने चैनल के बारे में और आप देते हैं लिंक वगैरह, तो ज़रूर उससे भी बहुत हेल्प होती है, लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या डाला है, क्या नया कंटेंट आप लेके आए हो, और इसी तरह से आप अपना चैनल थोड़ा धीरे धीरे करके ग्रो कर सकते हो। आप अगर नया चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो मान के चलो कि 1.5 साल तक या फिर 1.25 साल तक आपको कुछ भी अके ये होंगे नहीं पूरे, और अगर आपका एक भी वीडियो वायरल हो गया तो बस फिर आप उसी के हिसाब से ही वीडियोस डालिए। अब जैसे मैं स्टाइलिंग के वीडियोस डालती थी, आप यकीन मानिए स्टाइलिंग के वीडियोस जो होते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट पे। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं इन टोटल कर रही हूँ, इन जनरल कर रही हूँ। कोई भी यूट्यूबर है बहुत मेहनत करता है कंटेंट के लिए, पहले कंटेंट ढूंढता है, फिर उसके हिसाब से कपड़े ढूंढता है, फिर उसको पहनकर हम दिखाते हैं गर्मी और सर्दी हो, फिर भी हम अपने काम में बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, हम करते हैं अपना काम सभी लोग। तो यूट्यूबर बनना इतना आसान भी नहीं है, पेशेंस हर जगह पे टेस्ट होती है आपकी, हर जगह पे। तो अगर आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आप ना कम इस पे इन्वेस्ट कीजिए, और कम इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कीजिए। जो आपके पास रेगुलर कैमरा है या तो फोन का कैमरा है वो सबसे अच्छा रहता है, वो हैंडी भी रहता है, आपको दो दो जगह पे अपनी फोटोज अपनी फुटेजेस सेव नहीं करनी पड़ती, एक फोन में ही रखिए बस। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अभी कि जैसे स्टाइलिंग, अगर आप स्टाइलिंग वाला चैनल खोल के बैठे हैं और आप सोच रहे हैं अभी नहीं हो रहा, बट फ्रेंड्स जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे जो बेसिक फैशन सेंस थी मैंने उसी के वीडियोस बनाए। फिर उसके बाद मैंने और ज़्यादा डिस्कवर किया, पिंट्रस्ट है, गूगल है, आप इनकी मदद ले सकते हैं अपने कंटेंट पे काम करने के लिए। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं जिससे आप बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे स्टाइलिंग वीडियोस किसी को समझ ही नहीं आते थे, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी कि इतना पैसा खर्च किया मैंने, इतनी ज़्यादा मेहनत की। सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं, मेहनत भी की है बच्चे के साथ, वो भी छोटे बच्चे के साथ, और उसके बाद भी आपके पास व्यूज़ नहीं आ रहे इतने ज़्यादा। क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा है आपका फैशन, या फिर आप में कोई कमी है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लगती थी मुझे, बट धीरे धीरे अब मैं व्यूज़ आने लगे हैं, पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़े से पहले से ज़्यादा हुए हैं, और धीरे धीरे और ज़्यादा हो जाएंगे मुझे जो लग रहा है। और जैसे स्टाइलिंग है, एकदम से किसी को समझ नहीं आती है, हर किसी का अपना अलग अंदाज होता है, अलग स्टाइल होता है। मैंने अपने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला ये बात बोली थी कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ दूसरे पे अच्छी लग रही है वो चीज़ हम पे भी अच्छी लगे। जो चीज़ किसी पे अच्छी लगे, कोई फैशन ब्लॉगर से आप इंस्पायर होके उसका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके ऊपर भी अच्छी लगे। तो फैशन वही है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सुंदर लगो। तो स्टाइलिंग, अब मेरी स्टाइलिंग धीरे धीरे लोगों के दिलों में बैठ रही है, दिमाग में बैठ रही है, धीरे धीरे एडमायर कर रहे हैं लोग मेरे काम को। स्टाइलिंग में भी बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से 4-5 DMs ऐसे आए थे कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये हैं वो है, और लेडीज़ ने ही भेजे था मुझे इस तरह के DMs, और कहा था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा मेरा भी कोई फ़ैन हो सकता है, बट उन्होंने कहा जिस दिन मैं स्टाइलिंग आपकी कॉपी करके फ़ोटो डालूंगी ना, तब आपको यकीन होगा कि हम आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये लग रहा था कि मेरी स्टाइलिंग किसी को समझ ही नहीं आ रही है, अब धीरे धीरे करके समझ भी आ रही है, लोग एडमायर भी कर रहे हैं, और मुझे जब ऐसे DMs आते हैं तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक रिवार्ड है जो मुझे मिला है यूट्यूब से। पैसे से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बट रूड ऑडियंस तो हर जगह पे होती है, हर फील्ड में होते हैं रूड लोग, वो मेरे ख्याल से पता नहीं किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन वो दूसरे के ऊपर निकालते हैं। कुछ लोगों ने जो वीडियो मैं बता रही हूँ आपको वायरल हो गया था, उसमें सबको पसंद आया। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं बकवास वीडियो, बकवास बकवास, सिर्फ आपका मुंह दिखाई दे रहा है, ये है वो है। लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बुली तो किया है, बट कोई बात नहीं, चलता है,
क्योंकि वो लोग पता नहीं किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। चलता है इतना, कोई बात नहीं। बकवास अगर आपको लग रहा है, 1000 लोगों को अच्छा लगा, आपको बकवास लगा, तो प्रॉब्लम शायद आपके अंदर ही है। तो फिर बट मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत अच्छे से उसको अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बनाते टाइम इम्प्लीमेंट करती हूँ कि ठीक बने। मतलब उस एक बंदे को जिसको पसंद नहीं आया है, ये कोशिश करती हूँ कि अगला वीडियो उसको पसंद आए। ये मैं अपनी कुछ बड़ाई नहीं कर रही हूँ, कुछ अपनी प्रेजेस नहीं कर रही हूँ, बट मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि जिसे नहीं पसंद आया पिछला वीडियो, तो अगला वीडियो पसंद आ जाए। यही छोटा सा मूल मंत्र है जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो सबसे पहली बात तो ज़्यादा इन्वेस्ट ना कीजिए, पेशेंस रखिए हर चीज़ के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने किसी का बोल बोल के चैनल अपना सब्सक्राइब करवा भी लिया, आप वॉचर्स का क्या करोगे? फिर वॉचर्स नहीं पढ़ेंगे आप? मेरी तरह पागल नहीं हो सकते हो? मैं आपको अपना किस्सा बताती हूँ। जैसे मैं कुछ ऑर्डर करती थी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो वो जो डिलीवरी बॉय होता था, तो मैंने अपने फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स मैंने इस तरह से बढ़ाए थे, उनका फ़ोन ले लेती थी और अपना चैनल सब्सक्राइब कर देती थी। तो इतनी ज़्यादा मैडनेस मत दिखाइए, मैंने कुछ ज़्यादा ही दिखाई है। जब मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मैंने एक वीडियो देखा, एक किसी का था, मैं अभी टेक्निकल योगी नाम से एक चैनल है, उनका वीडियो देखा था। उन्होंने यही बोला था कि अगर आप सब्सक्राइब तो करवा लोगे, वॉचर्स का क्या करोगे? फिर उसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन रुक जाएगा। तो उसके बाद 50 सब्सक्राइबर्स के बाद मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स तक सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास करके सिर्फ कंटेंट डाला है और कुछ नहीं किया है। फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगी कि पेशेंस आप रखिए, पेशेंस है तो सब कुछ है, तो आपका चैनल भी ग्रो करेगा। और जैसे अब आजकल की जनरेशन है, उसके अंदर पेशेंस कम होती है, बट कोशिश यही कीजिए कि पेशेंस रखिए, और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं यूट्यूब के बिजनेस में, नहीं तो नहीं। अब जिन्हें हम देखते हैं, जैसे सेजल कुमार है, परकी मिक्स वाली मेघा है, कोमल पांडे है, या कोई भी है, ये सब रातों रात स्टार नहीं बन गए हैं। इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या हजारों में लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, ये एक ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये लॉन्ग जर्नी है, उनकी भी खुद की जर्नी है। तो हमें उस जर्नी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि उन लोगों ने इतनी मेहनत करके आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं, हमें भी मेहनत करके ही पहुँचना है। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। कमा मैं अभी भी कुछ नहीं रही हूँ और बिल्कुल ठन गोपाल हो चुकी हूँ यूट्यूब के चक्कर में, तो मेरी तरह आप ना हो जाए, इसीलिए कम इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल इन्वेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना, वहाँ इन्वेस्ट करो, बिल्कुल इन्वेस्ट ना करो इसके ऊपर। बस यही जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप जब मेरा मोनेटाइज होगा, मोनेटाइज हो चुका है ऑलरेडी, बट जब मेरी अर्निंग होगी, जब मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो मैं एक और ऐसा ही वीडियो बनाऊंगी और आज से लेके उस टाइम तक की सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। ये स्टाइलिंग वीडियो नहीं है, थोड़ा सा मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे DMs आते हैं मेरे पास, वो मुझसे यही पूछते हैं कि उनके बहुत कम सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो कैसे ग्रो करें। तो यही एक मूल मंत्र है, बस आप काम करते रहो, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आओ, उसी के ऊपर चढ़ चढ़ के आप ऊपर तक पहुंचोगे। मैंने भी पूरी जंप नहीं मारी है, एकदम से मेरा ऊपर नहीं पहुंच गया है, मैंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और स्टिल आई एम नॉट अर्निंग इवन अ पेनी। बट कोई बात नहीं, होगा, ये दिन भी जल्दी ही आएगा मेरी लाइफ में, मुझे यकीन है खुद पर और अपने काम पर। हार्डवर्क करना सबका काम होता है, तो हार्डवर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क तो सभी कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क में पता है आप लोग, मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, बट वो चीज़ नहीं कंप्लीट कर सकते जो इनके क्राइटेरिया हैं यूट्यूब के, वो हम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते अगर हमने हार्डवर्क नहीं किया है। तो हार्डवर्क करना, एक छोटे से बच्चे के साथ, आप देखिए एक छोटा बच्चा है, अभी 2 महीने का है वो, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, जब 2 महीने का था मेरा बेटा, कोई हेल्प नहीं थी मेरे पास, कोई इसको संभालने वाला नहीं था,
आप यकीन मानोगे मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कई बार। मेरा बड़ा बेटा स्कूल से आता था तो उस टाइम पे हम वीडियो बनाते थे, वो 3 बजे आता था, 4 बजे मेरा वीडियो का टाइम होता था। मेरा बड़ा बेटा, घर काफी बड़ा था तो वो उसको प्रेम में बिठाकर घुमाता था, इतनी देर में मैं कपड़े चेंज करती थी, फिर 2 मिनट हम उसको इधर ऐसे ही छोड़ देते थे और मैं जल्दी से शूट कर लेती थी वो वाला लुक, फिर वो प्रेम में घुमाता था, फिर मैं 2 मिनट में शूट कर लेती थी, फिर मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता था, इतनी देर में मैं जल्दी जल्दी कपड़े बदल के उनके लिए जल्दी से खाना, क्योंकि उनको ये आदत है घर पे आते ही उनको खाना चाहिए, वो 5 मिनट भी वेट नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी कपड़े बदल के जल्दी जल्दी सब संगवा के उठा के रख कर और जल्दी से खाना बनाने लग जाती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि उनको आधा आधा घंटा वेट भी करना पड़ता था खाने के लिए, बट सारा औखा सौखा टाइम निकल जाता है, पंजाबी में बोलते हैं निकल गया। मेरा भी वो हार्ड वर्क जो था, जो बहुत हार्ड टाइम से यूट्यूब को ग्रो करने में, तब मैंने स्टार्ट ही किया था तो हो गया वो वाला टाइम, वो वाला फेज ओवर हो गया, अब जल्दी से मतलब अर्निंग हो जाए तो बस क्या कहने हैं, फिर तो जब मुझे अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मेरे ख्याल से अब मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया है, मेरा गला भी जवाब दे रहा है, आप मुझे साउंड कर सकते हैं, शायद वियर्ड साउंड होगा। अब बंद करती हूँ वीडियो को, अब ज़्यादा बोली तो आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं और कभी बाढ़ आ जाए तो मैं बता नहीं पाऊंगी आगे की कहानी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आप सबको अपना फैमिली मेंबर्स ही बोलती हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ कि स्टाइल स्टेटमेंट फैमिली से जुड़िए, तो जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने भी वैसे ही शेयर किया आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, कैसा रहा मेरा यूट्यूब के साथ अभी तक का एक्सपीरियंस, मैंने वही आपके साथ शेयर किया है। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, इम्पॉर्टेंट जो टिप्स मैं देने वाली थी वो सब कुछ दे दिया है। बाकी जब जैसे जैसे जो जो प्रोग्रेस होती रहती है चैनल के साथ, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।